और हर बार हम विजयी हुए। वतन से मोहब्बत को हमने दिल में बसा लिया, हर मुश्किल को अपने हौसलों से सुलझा लिया। वतन से मोहब्बत को हमने दिल में बसा लिया, हर मुश्किल को अपने हौसलों से सुलझा लिया। खून पसीने से जो सींची थी जमीन हमने, उसी भारत को हमने स्वर्ग बना लिया, उसी भारत को हमने स्वर्ग बना लिया। स्वतंत्रता के इन वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीकी में विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। हमने अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहराया है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों के साथ भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में अग्रणी बनाया है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा करिश्मा किया है जो पहले केवल विकसित देशों के बस में था। चांद तारों की बात अब पुरानी हुई, चांद तारों की बात अब पुरानी हुई। हमने अंतरिक्ष में अपनी कहानी लिख दी। मंगल और चंद्र पर हमने जो झंडा गाड़ा, दुनिया ने माना, भारत ने नई कहानी लिख दी, भारत ने नई कहानी लिख दी। हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय सफलता हासिल की है। आज भारत में विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान हैं, जहां से पढ़कर हमारे युवा पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आईटी क्षेत्र में हमने अपनी धाक जमा ली है और हमारा देश वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ज्ञान का दीप हमने ऐसा जलाया, दुनिया ने भारत को गुरु मनाया। ज्ञान का दीप हमने ऐसा जलाया, दुनिया ने भारत को गुरु मनाया। आईटी की क्रांति में हमने वो किया, हर कोने में मेड इन इंडिया का झंडा लहराया, हर कोने में मेड इन इंडिया का झंडा लहराया। कृषि में हमने हरित क्रांति के जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए। आज भारत न केवल अपने नागरिकों का पेट भर रहा है, बल्कि अन्य देशों को भी अनाज निर्यात कर रहा है। हमारे किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। खेतों में जो पसीना भाया हमने, सोने की फसलें उगाई हमने, किसानों के दम से ये धरती हरी हुई, हर भूखे को रोटी खिलाई हमने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बड़ी प्रगति की है। हमने पोलियो जैसे खतरनाक रोगों को जड़ से मिटाया है और हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण के मामले में दुनिया के लिए मिसाल कायम की है। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाया है। साथियों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। हमें अभी और भी ऊंचाइयों पर जाना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर भारतीय को समान अवसर मिले, ताकि हमारा देश हर क्षेत्र में सबसे आगे हो। हमारे देश की यह उपलब्धियां केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि यह उन सपनों का फल है जो हमारे पूर्वजों ने देखा था और उन मेहनतों का परिणाम है जो हमने उन सालों में की है। हमें इस सफर को यहीं नहीं रोकना है, बल्कि और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। इस स्पीच का समापन मैं दो लाइनों से करना चाहूंगी। हमसे है दुनिया की रोशनी,
हमसे है दुनिया की रोशनी, हमारी मेहनत से है यह जिंदगी। भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, एक नया इतिहास हम सब मिलकर बनाएंगे, एक नया इतिहास हम सब मिलकर बनाएंगे। थैंक यू।